अस्सलामु अलैकुम। शेख, मैं दिल्ली से हूँ और मेरा सवाल ये था कि अगर कोई कब्र धस जाए तो क्या उसे सही किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो किस तरीके से किया जा सकता है। एक भाई साहब हैं दिल्ली से, सवाल करें अगर कोई कब्र धस जाए तो सही किया जा सकता है। बिल्कुल सही किया जा सकता है, कब्र का एहतराम होना चाहिए हमारे यहाँ। बिला वजह ऐसा नहीं है कि कब्र खराब होगी, खुल गई तो हो सकता है कि अभी उसके अंदर लाश मौजूद हो, उसके हिस्से मौजूद हो, उसकी बेहरमती हो, इसलिए उसको ढक देना चाहिए। सही बुखारी की रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लम को जहाँ दफन किया गया था, आपके आसपास सहाबे कराम को भी दफन किया गया था, तो किसी मौके से एक हिस्सा खुल गया तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो अंगूठा था वो दिख गया। मतलब हदीस में ये नहीं है कि उमर फारूक रजी अल्लाह का अंगूठा था, लेकिन बाद में जब लोगों ने देखा, शनाख्त की, पहचान की, तो पहचानने वालों ने बताया ये जो अंगूठा दिख रहा है ये उमर फारूक रजी अल्लाह उनका है। जहाँ ये बात पता चलती है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के अलावा बहुत सारे जो दूसरे अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, शहदा होते हैं या और भी नेक बंदे हो सकते हैं, उनके जिस्म को मिट्टी नहीं खाती है। जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम के जिस्म को मिट्टी नहीं खाती है, ऐसे कुछ अल्लाह के नेक बंदे और भी होते हैं जिनके जिस्म को मिट्टी नहीं खाती है, जैसे कि इस रवायत से पता चलता है। तो इस रवायत में ये भी पता चलता है कि बाद में सहाबे किराम ने उसको ठीक किया, यानी उसको ढका। तो कब्र अगर टूट जाए, टूट फूट का शिकार हो जाए, तो उसको ढक देना चाहिए, उसको सही कर देना चाहिए। आपने पूछा कैसे सही करें, भाई वैसे सही करें जैसे असल उसकी हालत होती है। जहाँ से नुकसान हुआ है, जहाँ कुछ धस गया, कोई चीज़ हो गई है, वहाँ पर आप मिट्टी डाल के उसको बराबर कर दें ताकि ये कब्र पहले जैसी नजर आए। उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।